students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to continue with our 8th chapter of your EVS book, that is the unique world of insects and animals. As you all know, in our world, different types of animals and birds are present. They all have their importance. We can see a little mosquito and a very big elephant. So let's start this chapter. In this chapter, we will discuss about some of animals, their characteristics and their speciality. So let's start. One day, Gudiya, Munya and Raju were playing hide and seek in the dark. Ek din, Raju, Munya aur Gudiya jo hai wo hide and seek yani ki chupa chupi ka khel khel rahe the. One of them lost a coin of rupee 2. Unme se ek jane ne 2 rupay ka coin kho diya. Everybody started searching it together. Sabhi milkar isko dhoond rahe the. But they were unable to see anything. Lekin unhe kuch bhi dikhai nahi de raha tha as it was dark. Because waha par andhera tha. Suddenly, achanak, Raju saw a bat which was flying very fast. तभी राजू ने अचानक से एक बैट यानी कि चमगादड़ को देखा जो कि बहुत फास्ट फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी. बट ही सेड, उसने कहा, लुक, देखो, दिस बैट इज फ्लाइंग सो इजीली इन द डार्क, कि जो चमगादड़ है वो अंधेरे में बहुत अच्छे से फ्लाई कर रही है, उड़ रही है. एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन, और हम सिक्के को, कॉइन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं. देन मुनिया सेड, तभी मुनिया ने कहा दैट कि she read in the school library the day before, यानी कि उसने day before का मतलब होता है पिछले दिन. उसने पिछले दिन ही स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा था that a bat flies at night, जब bat जो है, चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ती है, it produces a sound of very high frequency. वो क्या करती है, एक बहुत ही high frequency, frequency का मतलब होता है तीव्रता, बहुत ही तीव्रता से एक फ्रिक्वेंस साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है. एंड व्हेन इट एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक, और ये साउंड कब वापस आती है, जब वो सामने किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है. इट मींस जब चमगादड़ रात को उड़ती है तो वो एक साउंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का प्रोड्यूस करती है, और सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो फिर से वापस चमगादड़ के वे में आती है, जिससे उसे पता लगता है कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है जिससे वो टकरा सकती है, और इसी रेजोनेंस यानी कि इसी कंपन से, इसी तीव्रता से वो अपना वे को चेंज करती है. वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू, एक दिन, ये तो था चमगादड़ के बारे में. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉग्स के बारे में. वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू देयर नेबर्स हाउस. नेबर होता है पड़ोसी. एक दिन राजू और उसकी सिस्टर मुनिया जो है वो अपने पड़ोसी के घर पे जा रहे थे. ऑन द वे मुनिया'स लेग हिट अ स्टोन एंड शी गोट हर्ट. तभी रास्ते में क्या हुआ, मुनिया के पैर पे एक स्टोन, एक पत्थर लगा और उसे चोट लगी. हर्ट का मतलब होता है चोट लगना. शी बिकेम नर्वस बट कंटिन्यूड वॉकिंग विद हर ब्रदर. वो डर गई, उसे चोट आई थी, वो डर गई, लेकिन फिर भी उसने चलना, अपने भाई के साथ चलना स्टार्ट रखा. Just then, और तभी a dog tied with a chain on their neighbor's door started barking at her. Barking का मतलब होता है भौंकना. तभी क्या हुआ, उनके neighbors के door पे एक कुत्ता जो था वो बंधा हुआ था, उसने मुनिया पर बार्क करना start किया. राजू told her that dogs always bark at strangers and do not allow them to enter. तभी राजू ने मुनिया को बताया कि जो डॉग्स है वो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों को देखकर उन पर भौंकते हैं, उनको घर के अंदर एंटर होने नहीं देते. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनके बहुत ही, उनकी जो सेंस वाली स्मेल होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सो इट वॉज अबाउट डॉग, और डॉग्स की इसी क्वालिटी की वजह से उनको इंटेंसिव सर्चेस के लिए यूज किया जाता है. आप देखते हो फोरेंसिक जो होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, उनमें डॉग्स को यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी सेंस जो होती है, सेंस पावर होती है, वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है. नाउ हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर सी.
कि अलग अलग जो प्राणी होते क्रीचर होते हैं छोटे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कितना दूर तक, फार का मतलब होता है दूर, कितना दूर तक देख सकते हैं। तो हमें पता है, हम एक मक्खी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाउस फ्लाई का, तो क्या होता है हम उसको कभी भी कैच नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन सी ऑल इन द ऑल डायरेक्शन, इन 360 डिग्रीज दे कैन सी, विच द आईज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन अ स्पेशल वे। मॉस्किटोज और फ्लाइज की जो आईज होती है, मक्खियों की जो आईज होती है, वो बहुत ही स्पेशल तरीके से बनी हुई होती है। स्पेशल दे फ्लाई इमिडिएटली, वो अचानक से उड़ जाते हैं। वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी वो कोई हिलता हुआ कोई चीज को देखते हैं तो वो बहुत ही इमिडिएटली बहुत ही जल्दी से उड़ जाते हैं। दियर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, उनकी आईज जो होती है वो इंसानों से और दूसरे एनिमल से बहुत ही अलग होती है। इफ वी वॉन्ट टू लुक एट द बैक वी हैव टू टर्न अवर नेक, अगर हमें पीछे की तरफ देखना होता है तो हमें अपनी नेक को पीछे की तरफ मूव करना पड़ता है। बट इन द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज दियर आईज कैन सी विदाउट प्रोटेक्टिंग दियर नेक, दैट इज वाई दे आर एबल टू सी एंड वी आर अनेबल टू कैच देम, बिकॉज दे कैन सी हु इज कैचिंग देम, सो दे कैन फ्लाई इमिडिएटली। नाउ अब हम बात करते हैं नॉइज की। अ बैंड वॉज पासिंग बाय राजू'स हाउस प्लेइंग सॉन्ग इन अ लाउड साउंड, राजू के घर के पास से एक बैंड जा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे थे। मुनिया आस्क्ड व्हाट हैपेंड, मुनिया ने पूछा क्या हुआ। राजू रिप्लाइड, राजू ने कहा देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। साउंड का मतलब होता है आवाज और नॉइज का मतलब होता है शोर। मुनिया आस्क्ड व्हाट इज नॉइज, मुनिया ने पूछा कि शोर क्या होता है। देन राजू आंसर, राजू ने जवाब दिया व्हेन द साउंड लेवल इज मोर देन अवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज नोन एज नॉइज, जब जो साउंड जो है वो हमारे सुनने की क्षमता से बहुत ज्यादा होता है तो इसे हम शोर कहते हैं। सो इट वॉज अबाउट साउंड एंड नॉइज, आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉइज जो है वो बहुत, साउंड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, और नॉइज पोल्यूशन अगर होगा तो आपकी हेल्थ पे इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल बेसिस पे अपनी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर कोई एनिमल ऐसा है कि जो सिर्फ समर में आ रहा है तो वो विंटर्स में क्या करेगा, हाइबरनेशन में चला जाएगा। हाइबरनेशन होता है खुद को एक जगह पे छुपा लेना, ढक लेना कि वो अदर बाहर के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे लिजर्ड जो है वो सिर्फ समर और रेनी सीजन में होती है, विंटर्स में हम लिजर्ड्स को नहीं देख सकते। उसी तरह से अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स भी जो है वो समर और सीजन रेनी सीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो बियर्स है वो विंटर्स में होते हैं, एंड जो फ्रॉग्स है वो सिर्फ रेनी सीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा अदर सीजन्स में वो खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मुनिया एंड राजू की। मुनिया ने पूछा ब्रदर राजू, भैया राजू, कैन आई ऑल्सो लिव इन वॉटर लाइक अ फिश एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या मैं भी फिश की तरह पानी में रह सकती हूँ या फिर एक बर्ड की तरह आसमान में उड़ सकती हूँ। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव इन वॉटर और कैन और फ्लाई। Why? Because राजू ने बताया द ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, सभी जो एनिमल्स है या बर्ड्स है उन सबकी अपनी एक विशेषता होती है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो ह्यूमन बींग्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ये सब एक दूसरे से बहुत ही अलग है। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, हम जो है वो स्थलीय जीव है, टेरेस्ट्रियल होता है स्थलीय, जो भूमि पर रहते हैं। We are terrestrial organisms, we cannot live in water. हम पानी में नहीं रह सकते या फिर हम उड़ भी नहीं सकते। Now discuss about colonies of ants.
एंट्स की कॉलोनी के बारे में पढ़ते हैं। एंट्स जो क्या होती है, चींटियां क्या होती है, वो एक कॉलोनी में रहती है, ग्रुप में रहती है। तो इन मुनिया हाउस इन अ कॉर्नर अ होल और होम ऑफ एंट्स वॉज देयर। मुनिया के घर में एक कॉर्नर पे चींटियों का घर बना हुआ था। द एंट्स वर एंटरिंग द होल इन अ रो। जो चींटी थी वो एक लाइन में उस होल में एंटर कर रही थी। सिमिलरली मैनी एंट्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन। और उसी तरह से कुछ चींटियों को गार्डन में भी देखा गया, एक गमले के नीचे वो भी उसी तरह से लाइन के लाइन बनाकर जा रही थी। When the pot was removed from its place, जब उस गमले को उसकी जगह से हटाया गया, then और the ants started moving here and there, carrying their eggs. तब ants क्या कर रही थी, एकदम से उन्होंने इधर उधर चलना स्टार्ट किया अपने eggs को कैरी करते हुए। मुनिया's mother told her that the ants release a substance while moving. जो एंट्स क्या करती है, वो जब भी चलती है तो अपने पीछे एक सब्सटेंस छोड़कर जाती है। वो एक केमिकल पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ड्यू टू विच द अदर एंट्स मूविंग जस्ट बिहाइंड रिकॉग्नाइज देयर वे इजिली। उस वजह से उस सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, जो बाकी की एंट्स होती है उनको अपना रास्ता पहचानने में हेल्प मिल जाती है। When ants bite, जब चींटियां हमें काटती है, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. और जब चींटी हमें काटती है तो क्या होता है, जो वो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। The ants always live in groups. Ants जो है वो हमेशा ग्रुप में रहती है। They have their own world. उनका अपना एक संसार होता है। Ants make their colony under the soil. In tree trunks and secure and safe places in our houses. Trees ants जो है वो अपनी colonies कहाँ बनाते हैं, पेड़ों के नीचे वाली साइड, पॉट्स के नीचे, घरों में किसी कॉर्नर पे अपनी colonies जो है वो ants बनाती है। उसके बाद में राजू एंड मुनिया मदर सेड दैट द ants टू दियर वर्क कलेक्टिवली। जो ants है वो अपना काम साथ में मिलकर करती है, बांटकर अपना काम करती है। यू शुड, और इसी तरह से आपको भी अपना काम बांटकर करना चाहिए। जो एंट्स होती है उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग एंट्स जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, क्वीन एंट, वर्किंग एंट एंड सोल्जर एंट। इनका वर्क क्या होता है, जो क्वीन एंट होती है वो एग ले करती है, और वर्कर एंट जो होती है वो उन एग्स की केयर टेकिंग करती है। एंड जो सोल्जर एंट होती है वो क्या करती है, वो एग्स को और एंट्स का जो होम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मुनिया टोल्ड हर दैट हर मदर दैट अ ग्रैंडमा लिविंग इन दियर नेबरहुड स्कैटर्ड रोस्टर व्हीट फ्लावर आटे का कसार जो होता है। मुनिया ने बताया कि उनके नेबर्स में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, एक बूढ़ी माँ रहती है, जो कि डेली जो है वो चींटियों के घरों पर क्या करती है, भुना हुआ आटा जो है उसको फैलाती है। स्कैटर होता है फैलाना या फिर बिखेरना। व्हाई डज शी डू सो, वो ऐसा क्यों करती है। देन मदर टोल्ड, तभी उनकी माँ ने बताया हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी शुगर एंड व्हीट फ्लोर एंड स्कैटर इन ऑन द होम ऑफ एंट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, आटे को, घी को और शुगर को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करते हैं और उसको एंट्स के घर पर बिखेरते हैं। ताकि ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो ये समझते हैं कि उनको भी दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे क्रीचर्स के लिए खाना अरेंज करना चाहिए। इसी तरह से हमें भी दूसरों के लिए खाने को अरेंज करना चाहिए, जो दूसरे एनिमल्स है उनको खाना खिलाना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट अवर टूडेज चैप्टर। हेयर वी लर्न दैट द कैपेसिटीज ऑफ एनिमल्स टू स्मेल, सी, हियर एक्सेट्रा आर डिफरेंट। जो जितने भी एनिमल्स है उनकी सुनने की देखने की जो क्षमता है वो क्या है, अलग अलग होती है। बैट्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। बैट जो है वो रेजोनेंस के थ्रू रात को उड़ सकती है। वी शुड वर्क टूगेदर, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।
वी शुड अरेंज फूड फॉर द अदर एनिमल्स ऑल्सो, और हमें दूसरे एनिमल्स के लिए भी फूड को अरेंज करना चाहिए. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू.